लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आज लोकतंत्र की जीत हुई है। पार्टी के पास भ्रष्ट अधिकारियों की जमात उनके पास थी, षड्यंत्रकारियों का एक पूरा फौज उनके पास था। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की जनता ने जो निर्णय दिया है वह ऐतिहासिक है और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, माननीय राहुल जी को, कि उन्होंने हमें भरपूर समय दिया, मार्गदर्शन दिया और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुनिया जी जैसे सरीखे अनुभवी व्यक्ति को हमारा मार्गदर्शन के लिए भेजा, प्रभारी बनाया और उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले अरुण उरांव जी और चंदन यादव जी जैसे उनके सहयोगी सचिव मिले। साथ ही जितने भी हमारे पे जाकर काम किया, बूथ बनाने का काम भी पहली बार हमने राष्ट्रीय महासचिव को करते हुए देखा और वही कार्यकर्ता जो जोन में, सेक्टर में, बूथ में जो प्रशिक्षण दिए थे वो कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी के 65+ की चुनौती को उन कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया और अमित शाह को, नरेंद्र मोदी और रमन सिंह की पूरी टीम को धूल चटाने का काम हमारे मैदानी कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं इन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे जो लीगल सेल के लोग हैं वो खूब मेहनत किए हैं, नाकों चना चबा के रखे थे, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। मीडिया के साथियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि खूब साथ आपने दिया, विपरीत परिस्थिति में साथ दिया। आपात स्थिति से भी बदतर स्थिति रही है, उसके बाद भी मीडिया के साथियों ने साथ दिया, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अभी हम सेमीफाइनल जीते हैं, फाइनल भी हम जीतेंगे राहुल जी के नेतृत्व में। 2019 मोदी सरकार फिनिश, ये नारा लेके हम 2019 में जाएंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय पुनिया जी को आमंत्रित करता हूँ। कुछ सवाल है, प्रजातंत्र की, जनता की आवाज, दिल में दर्द उसकी परीक्षा कड़ी थी और हरेक को उत्सुकता थी, आपको भी उत्सुकता थी, हमें भी सबको उत्सुकता थी। दिल्ली में बैठे लोग, हिंदुस्तान में रहने जुड़े बैठे लोग सब इस उत्सुकता में थे कि 5 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं और आज 11 तारीख को कंप्लीट होनी, क्या निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह बना के रखती है या जनता बदलाव के लिए अपना वोट देती है, ये सब उत्सुकता है। आज नतीजे सबके सामने हैं और सभी ने ये एहसास किया कि जनता जब तय करती है तो उनके सामने ना धन, ना सत्ता बल, या दारू या रिश्वत या सिफारिश, कोई लोभ लालच कोई नहीं सामने टिक पाता और अपना फैसला दे देती है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से जो नतीजे आए हैं वो सबके लिए एक मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। जनादेश जो दिया है उस जनादेश को हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं और हम ये मानते हैं, ये हमको अधिकार दे दिया बल्कि एक कर्तव्य की भूमिका में रखा है, एक ड्यूटी हमको असाइन की है
कि आपको हमने ये हमारा एजेंडा है उस एजेंडा पर हम आपको शासन करने का अधिकार दे रहे हैं। हमने उसको स्वीकार किया, एजेंडा हमें दिया और उस एजेंडा को उन्होंने स्वीकार किया। और ये भी अपनी जगह सही है कि वायदे तो बहुत करते हैं, वायदे बाकी लोगों ने भी किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी किए थे, लेकिन उन वायदों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, नकारा, रिजेक्ट किया। और हमारे वायदे जो घोषणा पत्र के माध्यम से दिए उस पर विश्वास लोगों ने किया, और विश्वास इसलिए भी किया कि राहुल गांधी ने जिस दृढ़ता के साथ में, कठोरता के साथ में, जो जनता के सामने जो पक्ष रखा किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, आदिवासियों के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बारे में, नगरीय क्षेत्र के लोगों के बारे में, वो लोगों ने राहुल गांधी जी के शब्दों पर विश्वास किया और विश्वास करके उसको स्वीकार किया। स्वीकार करके हमको अधिकार दिया, हमको कर्तव्य दिया, हमको एक मैंडेट दिया, हमको एक एजेंडा दिया कि इस एजेंडा पर आपको काम करना है। हम उसको स्वीकार करते हैं और हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से राहुल गांधी जी की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो जो एजेंडा हमारे सामने है उसको ईमानदारी के साथ और समय सीमा जो निर्धारित की है उसके अंतर्गत उसको पूरा करेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है और आज चुनाव के नतीजे आज देर तक सब जगह के आ जाएंगे। सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू, निरंतर आप लोग ये पूछते रहे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा। और हम जैसे कि हमेशा जो हमारी कांग्रेस पार्टी की परंपरा है, कांग्रेस पार्टी की नीति है कि चुने हुए प्रतिनिधि इकट्ठे होंगे और वो अपनी राय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाई कमान को बता देंगे और वो इंगित करेंगे, उसके हिसाब से प्रस्ताव होगा। वो प्रक्रिया कल से प्रारंभ हो जाएगी और जल्दी ही निर्वाचित सरकार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार स्थापित हो जाए। और ये बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है मुझे विशेष रूप से कि हमारा जो कलेक्टिव लीडरशिप, जो सामूहिक नेतृत्व प्रदेश का, वो सारे के सारे नेतागण चुनाव लड़े और सारे के सारे बहुत इंप्रेसिव मार्जिन से जीत के आ गए। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और राहुल गांधी जी के समक्ष कोई दुविधा नहीं है, विधायकों के पास कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि हमारे इतने सब लोग यहाँ पर निर्वाचित होकर आए हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी के सामने हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, कई बार राहुल गांधी जी से विचार विमर्श हुआ और उस सब में सबने स्पष्ट किया था कि हम में से जिसको भी जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी हाईकमान के द्वारा, उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में कांग्रेस पार्टी के हित में, जनता के हित में उसको जिम्मेवारी से निभाएंगे। और वो आज भी उस वायदे पर दृढ़ संकल्प है कि जिसको भी जो जो भी आप जो जिम्मेवारी दी जाएगी उसको ईमानदारी से पालन किया जाएगा। ये कुछ एक बातें थी और उसके साथ साथ एक चीज और पूरी तरह से एक्सपोज जो हो गई। लोग समझते थे कि बहुजन समाज पार्टी और योगी वो मिलके भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर,
एक गेम चेंजर की तरह से काम करेगा कि ये कांग्रेस पार्टी के वोटों को काटेगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे और जो उनकी नापाक हरकतें हैं वो उससे जो दीवार भी अपने चलते रहेंगे। लेकिन जनता तो समझदार है, जो बैठे हैं सत्ता में बैठे हैं उनसे ज्यादा समझदारी समुदाय में है। उन्होंने मन बनाया था कि हम परिवर्तन लाए, प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक परिवर्तन, हर व्यक्ति की जवाब प्रति परिवर्तन परिवर्तन। और जब ये गठबंधन उभर के आया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, उनके पैसे पर, उनके संसाधनों पर ऊपर आधारित जब ये सामने खड़ा हुआ तो जनता ने कहा कि अरे हम तो परिवर्तन चाहते हैं और इस परिवर्तन को रोकने के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए इन लोगों ने और ये गठबंधन खड़ा कर दिया और पहले दिन से उसको नापाक गठबंधन लोगों ने माना, उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया और कांग्रेस पार्टी को जो एजेंडे को स्वीकार करते हुए जो जनादेश दिया है वो उस पर अडिग अडिग रहे। ये भी एक मुख्य बात इस चुनाव के माध्यम से उभर के आई है। और आखिर में मैं सभी जनता के, किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, हमारे अनुसूचित जाति के लोग हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो, नगरीय क्षेत्र के लोग हो, उन सब ने हमारा भरपूर साथ दिया, समर्थन दिया। अन्यथा ये जो बहुत ही इंप्रेसिव मार्जिन से इंप्रेसिव जो विक्ट्री जो जीत दी है, जनादेश दिया है, वो नहीं संभव होता। और बहुत शानदार तरीके से हमको समर्थन दिया है और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी मैं बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि शानदार तरीके से उन्होंने आपसी तालमेल के साथ में संतुलन बनाकर अपनी विधानसभा का भी काम देखते हुए, दूसरों के विधानसभा को भी देखते हुए, जहां जहां आवश्यकता हुई उस कार्यक्रम में भाग लेते हुए, हमने जहां भी कह दिया वरिष्ठ से वरिष्ठ हमारे कांग्रेसी नेता ने उसका पालन करते हुए उन सब कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जहां पर सबकी आवश्यकता एक जगह थी तो सब एक जगह हुए, सबको किसी को अलग अलग अगर उनको ड्यूटी दी गई, उनसे निवेदन किया गया तो अलग अलग सब जगह बताए गए उसी हिसाब से काम किया। मैं उनको सलाम करना चाहता हूं, हमारे शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने जो कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी के निर्देश पर उनके प्रति पूरी आस्था व्यक्त करते हुए, कांग्रेस पार्टी की नीतियों में पूरी तरह से आस्था व्यक्त करते हुए निष्ठावान हमारे सामूहिक नेतृत्व ने जो काम दिया, जो नेतृत्व प्रदान किया, वो वास्तव में बेजोड़। मैं उनको बहुत ही बधाई देना चाहता हूं और आखिर में हमारे जो कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। किस तरीके से हम लोग भी गए, हम गए, प्रदेश के सभी लोग गए, बूथ कमेटियां बनाने में गए, फिर बूथ कमेटियों से नीचे अनुभाग वो बनाने तक हम लोग पहुंचे, उसके बाद न्याय पंचायत स्तर पर कार्रवाई गए, बैठक की, वार्ड के स्तर पर बैठक की शहरों में, और जब सब लोगों का गठन हो गया, कमेटियों का गठन हो गया, तो उतना ही प्रयास नहीं माना, उसमें भी ये सोचा गया कि सबको ट्रेनिंग दी जाए, सबको प्रशिक्षित किया जाए और संकल्प शिविरों के माध्यम से उस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। वो बहुत मेहनत से संगठित होकर नीचे से लोगों को, बूथ कमेटियों को साथ में लेते हुए उन सब कार्यक्रमों को संपन्न किया। और उसके बाद जब चुनाव हुआ, एक सजग प्रहरी की तरह से मजबूती के साथ में वोट डलवाए और उसके बाद काउंटिंग में भी उनसे जैसे अपेक्षा की थी उसी हिसाब से बहुत पैनी नजर रखते हुए बहुत मजबूती के साथ में कहा। और अंदर जो रह सकते थे, ड्यूटी दे सकते थे, वो थे ही, लेकिन जो अंदर नहीं गए थे तो बाहर उन्होंने
अंदर बैठे लोगों को पूरा मनोबल ऊंचा रखने के लिए बाहर मौजूद रहे और अपना उपस्थिति को दर्ज कराते रहे, और अभी उनकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई, ड्यूटी अभी चल रही है। जो विधायक चुने गए हैं उन सब को लेके यहाँ पर रायपुर में पहुंचने का काम भी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन जिनको ड्यूटी लगाई गई है, वो सब अलग अलग जगह से अलग अलग काफले के साथ में यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने एक सेना की तरह से छत्तीसगढ़ में काम किया है, और मजबूती के साथ में, सजगता के साथ में, निष्ठा और मेहनत के साथ में उन्होंने काम किया। और सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बाकी सभी हमारे विभाग हैं, सभी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, और विशेष रूप से हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उनके चेयरमैन के सभी लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI, उन्होंने भी अपना कहीं भी किसी भी तरह से पीछे नहीं रहे। सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इसके बाद हालांकि मैंने विस्तार से सभी विषयों को कवर करने का प्रयास किया है, फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न होंगे तो वो एक एक करके बता दें, मुझे प्रसन्नता होगी उसका जवाब देने में। हम कर चुके हैं, अपने मिशन पास किया है कि कांग्रेस अनेक बार हमारे इस विषय के ऊपर परीक्षा हो चुकी है, तो इनका जो इनकी नीति है, इनका लेकर वार्ता में कहा था एक सुपर CM भी है, तो प्रजातंत्र को जो लोग हाईजैक कर लिए। कहा है कि चुनाव तो 5 प्रदेश में हुए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ का चुनाव सबसे बेहतर व्यवस्थित ढंग से आयोजित हुआ है, और उसके परिणाम भी ऐसे नजर आए हैं, तो इसलिए उन्होंने बधाई दी है सब। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.